फैसले के दिन में इंतजार बढ़ गया है क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है चुनाव आयोग, लेकिन बड़ी खबर ये कि कांग्रेस का डेलीगेशन 6:15 बजे चुनाव आयोग पहुंचेगा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है, 6:15 पर चुनाव आयोग पहुंचेगा कांग्रेस का डेलीगेशन। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर के समय मांगा गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 6:15 बजे आयोग से कांग्रेस का डेलीगेशन भी मिल सकता है, ये समय मांगा गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मिलने का समय मांगा था और कांग्रेस का डेलीगेशन 6:15 बजे मुलाकात कर सकता है। तीन मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ढोल साहब, मेरा एक सवाल है, यानी कि एक और डेलीगेशन की मुलाकात का मतलब यह है कि हमें क्या रात तक इंतजार करना होगा नतीजे का? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, यदि कानूनी तौर पर समझे तो अब फैसला घोषित किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से काउंटिंग अभी स्टार्ट की नहीं गई होगी और शायद जो स्टेट की जो टीम है वो इंतजार कर रही हो कि इलेक्शन कमीशन एक बार जो है ग्रीन सिग्नल दे दे। मतलब हमारे डबल चेक लगवाएंगे आप? ये क्या कह सकते हैं, ये तो दिख रहा है साफ साफ तौर पर। रेणू जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आगे आते हैं। रेणू जी, अब दोनों पार्टियां दिल्ली में, मतलब बड़े दफ्तर केंद्रीय चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंच रही है, एक पहुंच गई दूसरी पहुंचने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल गोयल साहब, देखो डबल शिफ्ट तो आपको लगानी ही पड़ेगी, ये तो बिल्कुल करियर है, क्योंकि जब तक ये दो वोटों का फैसला नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा और वहां का फैसला आने के बाद ही इसका रिजल्ट होगा, डिक्लेयर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात, अभी हमारे चौहान साहब बड़ा मजा लेकर के कह रहे थे कि हमारा तो काम है कांग्रेस को धराशायी करने, कहीं ना कहीं चौहान साहब की रणनीति भी इतनी तो कामयाब नहीं होने दी कांग्रेस ने, इनके ऊपर जितनी लोग उम्मीद लगा रहे थे कि पता नहीं क्या कर देंगे क्या कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दो ही वोटों के ऊपर उलट करके रह गए। जो 87 वोट उसमें डली हुई है, पेटी में पैक है, 87 वोट का भी तो अभी कुछ नहीं पता, किसकी वोट कहाँ गई हुई है, वहां पर किसी ने क्या खेल खेल रखा है। रेणु साहब, वो वोट तो दिखाते हैं ना, दिखाने से साफ हो जाता है, तो अब तक तो क्लियर हो जाती पिक्चर, मीडिया के पास आ ही जाता। नहीं, जैसे हमने सुना था कि सवेरे कुलदीप बिश्नोई जी सबसे पहले वोट डाल करके गए, शायद वो क्लियर नहीं था, उसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ था कि कैसे डाली है कैसे नहीं डाली है, तो वहां भी एक दो वोट का सस्पेंस मेरे ख्याल से अभी बना हुआ है, अभी है। और दो वोटों का ये वरुण भाई जी अभी है वो सस्पेंस। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। रेणु साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं और हमें थोड़ी सी हमारे पास भी मर्यादा रखनी होती है, तो बहुत सारे इनपुट हमारे पास भी है कि किसने क्या किया है सुबह से। जी बोले चौहान साहब, आप बोले, फिर आता हूँ रेणु साहब एक बार। मैं तो बहुत विनम्रता से, पूरे चुनाव का जो ये उत्सव था राज्यसभा के, इस दौरान भी लगातार हंसते मुस्कुराते सारी चर्चाओं में ये कह रहा था कि अगर कांग्रेस अपने 31 विधायकों को एकजुट रखने का कांग्रेस संदेश दे पाती पहले दिन से, कांग्रेस अपने घर की फूट सिर्फ उटावल को चौक पर आने से रोक पाती, कुलदीप बिश्नोई जी की अंतरात्मा की आवाज को राहुल गांधी ही सुन लेते समय रहते, तो मेरे ख्याल से तीसरे प्रत्याशी यानी निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनके पास एक उम्मीदवार को, एक अपने कार्यकर्ता को, एक कांग्रेस के नेता को सांसद बनाने जितनी वोट थी, हमारे पास एक अपने प्रत्याशी को जिताने के बाद सरप्लस वोट थी, जजपा की वोट थी, निर्दलियों की वोट थी, साथ में कांग्रेस ने तश्तरी में रख करके इस राज्यसभा के चुनावी पर्व में वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे तत्व डाल दिए जिनके कारण मैं, आप, वरुण जी डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट लगा रहे हैं कई दिन से वो इसलिए लग रही है कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के विधायकों के झुंड के झुरमुट के समूह के नेता, इन सब ने चौक पर आकर अपना दर्द दुनिया को सुनाया, इन्होंने अपने घर के गंदे कपड़े चौराहे पर बैठकर धोए, ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है। हम तो कुलदीप बिश्नोई जी को ये कहने नहीं गए थे निश्चित तौर पर कि वो कैमरा पर आकर ये कहें कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालूंगा, राहुल गांधी से मिलने के बाद वोट डालूंगा, कांग्रेस में कांग्रेस के नेतृत्व से मैं नाराज हूं,
कांग्रेस की हवा निकल गई है, ये सारे बयान तो कांग्रेस के ही नेता कुलदीप बिश्नोई जी के थे। ऐसे ही कैप्टन अजय यादव ने एक वाक्य, कैप्टन अजय यादव ने मेरी अथवा आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर ही तो ये नहीं ट्वीट किया था कि टिकट शैलजा जी को मिलनी चाहिए थी, और फरीदाबाद वाले पंडित जी ने मेरे या आपके कहने से अजय माकन जी को बाहरी प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। तो भाई साहब ये सब काम जो किए हमारे मित्रों ने, ठीक है, उसी का परिणाम उसी का नतीजा है। नतीजे का तो इंतजार है ना सर, आप चर्चा कर रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी नतीजा क्या कहते हैं उसी की तो बात है। हाँ जी रेडू जी कहिए, फिर ढोल साहब के पास जाना है। हाँ गोयल साहब, मैं वीरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, 2020 में भी दो राज्यसभा चुनाव हुए थे और उस टाइम यही आंकड़ा वोटों का था, उस टाइम आपने निर्दलीय कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और इस बार आपने उतार दिया, और अब आप कह रहे हो कि चौराहे पे गंदे कपड़े ला करके साफ करने का काम करें। ये गंदे कपड़े आपने क्यों करवाए? आपकी जो नीति थी उस नीति के तहत कि हमने कांग्रेस का नहीं जाने देना और खरीद के नहीं। रेडू साहब बकौल अभय चौटाला, 2020 के चुनाव में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन करके वोट मांगा था, इस बार तो उन्होंने वोट भी नहीं मांगा। वोट मांगा और ये कहा कि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है और उसकी मदद करना। हाँ। और इस बार वोट नहीं मांगा, इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि वैभव सिंह जी चौटाला अपना स्टैंड साफ करें, और कुलदीप बिश्नोई जी को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट शब्दों में ये बोला था कि कुलदीप बिश्नोई जी या तो अपना स्टैंड साफ करें या पार्टी बदल लें, पार्टी छोड़ दें। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ढुल साहब आप नाराज ना होना, नाराज होते नहीं वो, वो प्रयास हाँ नहीं होते, छोटा भाई है मेरा, और वो जो है ना भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो प्रयास करना चाहिए था एक चीफ होने के नाते, यहाँ पर सीएलपी लीडर होने के नाते, या उदय भान जी ने जो प्रयास करना चाहिए था, मैं समझता हूँ इन्होंने सीरियसली इस मैटर को लिया ही नहीं, पूरा का पूरा हाई कमान के भरोसे छोड़ दिया। और ये सिर्फ शो करने के लिए इनको जहाँ दिल्ली बुलाया जाता है फिर रायपुर में जाया जाता है, एक दिखावा तो बहुत बड़ा किया कि हम बहुत तलमन ढंग से लगे, लेकिन एक सच्ची आत्मा से प्रयास कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। हाफ हार्टेड अपील कहते हैं उसे क्रिकेट की लैंग्वेज में, ढोल साहब। देखिए ये केवल एक सिंगल वर्जन, एक तरफिया वर्जन, उसमें कांग्रेस का ये वर्जन शामिल नहीं है। हमारे कैंडिडेट ने भी या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी जहां जहां जिस जिस जगह जिन जिन से वोट मांगनी थी सबसे वोट मांगी है। अब उसको कोई बताए उसको ना बताए वो एक अलग बात है, उसे हम क्या कर सकते हैं ना बताए तो, अब हम क्या कर सकते हैं पहले बताया है तो इसके अंदर हमारा तो रोल कभी था ही नहीं। जहां तक बात हमारे विधायक जो है एमपी बनाने के, हमारे पास में सफिशिएंट नंबर्स थे और सफिशिएंट नंबर आज भी है, और हमने जो वोट जो हमारी पड़ी है उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता लग रहा है कि हमारे जो है सांसद चुन करके आ रहे हैं। अब उस प्रक्रिया के अंदर कितनी देरी लगती है, जो मेरे पास अभी सूचना आई है वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो स्टेट वाली टीम है उसने इलेक्शन कमीशन से वोटिंग की परमिशन मांगी है, वो परमिशन अभी तक नहीं मिली है। जैसे वो परमिशन मिलेगी वोटिंग काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक काउंटिंग में जो देरी है वो इस कारण से मिली है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी काउंटिंग की परमिशन, ऑफिशियल ऑथराइज परमिशन नहीं दी है। परमिशन मिलते काउंटिंग भी हो जाएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। हमारा डेलीगेशन तो मेरे हिसाब से इसलिए मिलने जा रहा है कि जी काउंटिंग कराइए, और इनका जो ऑब्जेक्शन है वो इनवैलिड है जी। लेकिन क्या क्या वाकई पूरी तरीके से प्रयास नहीं हुए थे बाकी लोगों को मनाने के लिए भी? देखिए प्रयास हर प्रकार के किए गए, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी से बात करने की हो चाहे किसी और प्रकार से हो, सबकी बातों को सुना भी गया है, सबकी बातों को तवज्जो दे करके जो है सबसे रिक्वेस्ट भी की गई जो है कि आप वोट दीजिए कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में। उसके बाद में जो है आज जो हमारे सामने जो आया है वो उस प्रयास का नतीजा ही है। और जहां तक बात ये दो वोटों को जो जिस प्रकार से रोका गया, जिन दो वोटों को जिस प्रकार से रोका गया है, उन दो वोटों में भी कोई कांग्रेस के किसी विधायक का कसूर थोड़ी ना है, वो तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर है। बल्कि जब जैसे किरण चौधरी जी को ये पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे किया गया उनके साथ में, तो उन्होंने तो बाकायदा बाहर आकर के मीडिया में स्टेटमेंट दी कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से हम मेरी वोट के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई गई, जबकि ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं था। लेकिन तो क्लियर है जी, रेणु जी आप कुछ पूछ रहे हैं,
हाँ उस टाइम तो किरण जी ने कुछ नहीं बोला था, वो तो स्टेटमेंट दे रही थी प्रेस को, उस टाइम उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, बल्कि वो ये कह रही थी कैसे ऐसे वोट कैसे कैंसिल हो सकता है, किसका हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, इस तरह के उसने स्टेटमेंट दिया था। और दूसरा ढोल साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आप मुझे बताइए कि किस जो जैसे जेजेपी वाले में टूट कगार पर खड़ी थी पार्टी, कुछ विधायक जसराम भी थे और कुछ दूसरे साथी थे, वो कहीं ना कहीं आपका साथ दे सकते थे, और नेटीएम में तो आप एक दो को जरूर मैनेज कर लेते, बट ये आपको मानना ही होगा कि आप मुझे बताइए किस विधायक के पास किसके पास जाकर के आप लोगों ने प्रयास किया, ऐसी कोई चर्चा मीडिया में सोशल मीडिया में, क्या सीएम साहब वहां से वहां मिले हैं, या कांग्रेस प्रेसिडेंट वहां उससे मिलकर आए हैं, वहां की ग्रुप मीटिंग हुई है, खुद की मीटिंग हुई, ऐसी किसी प्रकार की सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया और चैनलों के माध्यम हमने कभी कोई इस तरह की आवाज सुनाई नहीं दी। उस आधार पर हम कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी ने सीरियसली इसके लिए प्रयास नहीं किया गया, और ये भी कहीं ना कहीं क्लेवरनेस है पार्टी की, और क्या करके मन में कोई नहीं, हो सकता है ना, हो सकता है वो आश्वस्त हो कि आराम से जीत जाएंगे, इसलिए ज्यादा ये सब ना हाँ करना पड़ा हो। नहीं अरुण जी कैसे कैसे आश्वस्त होंगे, चारों तरफ देखिए कांग्रेस ने जब से ये डेट डिक्लेयर हुई थी तब से लेकर के छुपने का काम किया है एक तरह से, मैं तो ये कहूंगा, कभी अपने विधायकों को छुपा रहे हैं, कुछ छुप रहे हैं, मतलब उतनी डिफेंसिव नहीं, वो तो मानना पड़ेगा कि रायपुर से सीधा 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 उनको लेकर के आए हैं वहां जहां वोटिंग हो रही थी, एक दिन पहले भी या कुछ घंटे पहले भी चंडीगढ़ में लाने का रिस्क कांग्रेस ने नहीं उठाया, कांग्रेस को खतरा नहीं तो था। रास्ते में भी वहां चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सीधे गए हैं, वहां फिर उनको गाइड करने का काम किया गया है, उनको मोटिवेशन देने का काम किया है, उसके बाद फिर आधा घंटा पहले भी मोटिवेट किया जा रहा है, उनको गाइडलाइंस दी जा रही, तो कहा मतलब कितना ज्यादा अविश्वास की भावना आपकी पार्टी के बीच में थी कि सब अच्छे तरह से ठीक है, बहुत बार जी में हमने दिखा भी जी। ठीक है डुल साहब कुछ कहें, फिर मैं चौहान जी के पास चलता हूँ। देखिए मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमति नहीं जताता, हालांकि बिल्कुल ठीक है कि कुलदीप जी ने जो सार्वजनिक स्तर पे जो है अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर नेताओं ने उनसे बात नहीं की थी, उनकी नाराजगी किस हद तक दूर हुई है किस हद तक दूर नहीं हुई है ये तो पब्लिक डोमेन में है भी और आगे आ भी जाएगी, और उनका वोट तो भी बहुत कुछ नहीं बताएगा। जहां तक बात दूसरी है, हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ, तो वोट तो राज्यसभा में तब भी नहीं सूख सकता अगर आपके एजेंट को आप ना दिखाएं तो, यदि इलेक्शन कमीशन चाहे कोर्ट के परमिशन से तो हर एक कैंडिडेट के वोट को ये देखा जा सकता है कि वोट किसका आया ये, वो तो इसके अंदर क्योंकि आप सीरियल नंबर रहता है हर वोट के ऊपर। तो जहां तक बात दूसरी है वो सोचने वाली है समझने वाली है, वो ये है कि इसमें छुपाने या छुपने छुपना जैसी कोई बात नहीं थी। दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान आपने देखा होगा जैसे वो उतरे थे उसमें से, कल रात को आए थे कि हमारी ट्रेनिंग थी और हम अपने कैंप के अंदर, वहां पर थे शेड्यूल्ड प्रोग्राम था तो हम अपने शेड्यूल्ड प्रोग्राम के अंदर थे, इसको छिपना छिपाया नहीं कराया जाता। अब मैं तो मेरे मित्र हैं विजेंद्र जी, मुझे पता है कि भाई 2016 में जो है इनेलो के विधायक मसूरी शहर के ऊपर गए थे तो उसके अंदर मेरे पिताजी भी वहां पर थे मौजूद थे तो मेरे पास में उसकी जानकारी है, तो क्या उसको भी ये कहा जाएगा कि छिपना छिपाया गया था उस समय पर? ऐसा नहीं होता है, सभी विधायकों को जो है बाकायदा प्रॉपरली राज्यसभा के चुनाव के लिए ट्रेन भी किया जाता है, उनसे बातें भी की जाती है, उनको समझा भी जाता है, उनकी दिक्कतों को भी समझने का प्रयास किया जाता है, तो उसके बाद में चौहान जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चौहान जी ये बताएं आपकी उम्मीद क्या कर रहे हैं, नतीजे को लेकर क्या संभावना है, पवार साहब के अलावा जो अवरोध आप खड़ा करना चाह रहे थे कांग्रेस के सामने उसमें कोई सफलता मिलती दिख रही है क्या, कुछ समीकरण तो आपके पास भी होंगे? देखिए मेरे पास मतदान को लेकर, मतदान कैसे हुआ किसने कहां किया इस बारे में कोई मौजूद थे महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से खुलेआम अनियमितता की गई है, जो चुनावों के दिशा निर्देश हैं, गोपनीयता के निर्देश हैं, सेक्रेसी के नियम हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उस संबंध में महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी
हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से वहां के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, ऑब्जर्वर को शिकायत भी की है, और जो सेक्रेसी के कानून हैं उसके उल्लंघन के आधार पर हमने चुनाव के उनके चुनाव को हमने अवैध घोषित करने के लिए कहा है, और उसके पूरे के पूरे अध्ययन करने के साथ साथ तब तक चुनाव आयोग इस संबंध में मतगणना रोके ये भी हमने निवेदन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस संबंध में जानकारी लेंगे और जो भी नियमों के अनुसार आवश्यक होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या नकवी साहब दिखा करके जिस तरीके से विधायकों ने वोट डाले हरियाणा में पार्टी के नेताओं को, क्या वो सही है, उचित मानते हैं? देखिए क्या है, इसमें बहुत स्पष्ट नियम है कि जो ऑथराइज एजेंट है उसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति को अगर आप दिखाते हैं तो वो आपका कंडक्ट जो है वो जो चुनाव नियम है उसके विपरीत है, उसके उससे अलग है, और वो जो है वो पूरी तरह से उसमें कार्रवाई करने योग्य होता है, और इस तरह के कई उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ पे सर, महाराष्ट्र हरियाणा दोनों जगह में? जी हाँ, महाराष्ट्र में, हरियाणा। अभी हमने हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में, चार केंद्रीय मंत्रियों को आप देख रहे थे इस वक्त। मुख्तार अब्बास नकवी ने ब्रीफ किया कि क्या कुछ अंदर उन्होंने कहा है और मतगणना रोकने की प्रार्थना की है। अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा जितेंद्र सिंह भी दिखाई दे रहे थे और गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिखाई दे रहे थे। वापस लौटते हैं डुल साहब, चर्चा यही हम जो कर रहे थे, मतगणना रोकने की प्रार्थना की है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दो उम्मीदवारों ने नियमों का उल्लंघन, माफ कीजिए, दो विधायकों ने नियमों का उल्लंघन किया है और वहां के अफसर ने उस आपत्ति को ओवररूल किया। जी देखिए, हम इस बारे में भी लंबे समय से चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर भी इस प्रकार का प्रयास किया गया, तो मेरे हिसाब से जैसा मैं सुन पाया हूँ डेलीगेशन हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों के लिए था। महाराष्ट्र के अंदर भी इनको मुंह की खानी पड़ी है और हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए ये जो पीड़ा दिखा रहे हैं सामने वो ये है। लेकिन हमने यहाँ पर चर्चा की है इस बात में कि भाई यहाँ पर सीक्रेसी ब्रीच नहीं हुई है। आरुण चौहान जी, यहाँ पर प्राइवेसी ब्रीच नहीं हुई है, ये ओपिनियन है रिटर्निंग ऑफिसर का, और वो ओपिनियन सेकेंडेड है सेंट्रल ऑब्जर्वर और स्टेट ऑब्जर्वर दोनों के द्वारा। इनकी प्रेजेंस में खुले आम वहां पर बाकायदा वीडियो दिखाई गई, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद में उसके बाद में इन्हें वोट डालने की परमिशन दी गई और आरओ की परमिशन से इन्होंने वोट डाली है। ये मुद्दा वो नहीं है। अगर इन्होंने वोट जो है, अगर इनकी वोट इनवैलिड होती तो इसको सेपरेट बॉक्स में डाला जाता, कानून ये कहता है इसको वैलिड वोट वाले बॉक्स के अंदर नहीं डाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वैलिड बॉक्स वाले वोट उसमें डाला गया है, इनकी ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया गया लिखित में। तो लेकिन मौजूदा स्थिति जो वो है वो ये है कि अभी तक मतों की गिनती शुरू नहीं हुई है। एक राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दें, मतों की गिनती शुरू नहीं हुई है क्योंकि बताया यही जा रहा है कि परमिशन अभी तक नहीं आई है और पार्टियों के डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी मतगणना की इजाजत इलेक्शन कमीशन से नहीं मिली है स्टेट यूनिट को। दो मतों के ऑब्जेक्शन की शिकायत के बाद अभी तक मतों की गिनती शुरू नहीं हुई है, यानी मतों की गिनती शुरू होने का इंतजार है और हो सकता है कि मतगणना जो है अगर वो हो जाए, उसकी परमिशन मिल जाए, तो फिर रिजल्ट अनाउंस करने के लिए भी शायद परमिशन लेनी पड़े। ये प्रोसेस लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल, ऐसा लग रहा है। और अभी कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचेगा जिसमें पवन बंसल, विवेक तनखा भी जो है वो डेलीगेशन में शामिल होकर कांग्रेस की ओर से पहुंचेंगे। पवन बंसल और विवेक तनखा ये नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में अनियमितता हुई है और चुनाव आयोग के नियम की धज्जियां उड़ी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि आयोग मतगणना रोके। बीजेपी ने मांग की है कि आयोग मतगणना को रोके क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही है, ये डेलीगेशन ने ये बात कही है। चौहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? मुझे केवल इतना जोड़ना है कि रिटर्निंग ऑफिसर
जिनकी अनुमति का हवाला ढोल साहब दे रहे हैं, उन रिटर्निंग ऑफिसर की उनका अतीत वो पॉलिटिकल अतीत है, वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन एजेंट रहे हैं, उनके विधानसभा के चुनाव में उनके एजेंट के रूप में काम कर चुके, ये चीजें रिकॉर्ड पर हैं। तो एक आरोप उन पर ये लग रहा है कि उन्होंने वो जो ऑब्जेक्शंस लगाई गई उनको ओवररूल कर रहे हैं, सब कुछ देखते हुए समझते हुए भी, फुटेज को देखकर नए सिरे से उपलब्ध डेटा का एनालिसिस करके निरपेक्ष भाव से संबंधित अथॉरिटी इस विषय में निर्णय करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा गया है, हम कोई जबरदस्ती कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे साथ या निर्दलीय प्रत्याशी के साथ धक्काशाही कर जाए ये भी नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो वो फेयर तरीके से होना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। सब कुछ तो अवेलेबल है, फुटेज है वहां पर, सीसीटीवी की भी होगी, अन्यथा भी वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, तो सारी चीजों का निरपेक्ष विश्लेषण क्यों ना हो जाए। ठीक है, जब सबको मालूम है कि नांदल साहब की पृष्ठभूमि क्या है, नांदल साहब कहां से आए, नांदल साहब उससे पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कैसे कैसे सीधे तौर पर उनके इलेक्शन के काम में एसोसिएटेड रहे, ये चीजें तो रिकॉर्ड पर है ना जी, तो उसमें स्पष्टता आ जाने दीजिए ना। ठीक है, अगर कहीं रिटर्निंग ऑफिसर का किरदार ही सवालों के दायरे में है तो गणना करने की जल्दी काहे को करनी। ठीक है सर, जल्दी क्या है, ठीक है, मत पड़ चुके हैं। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, ढुल साहब जल्दी काहे को करनी, आपकी आपत्ति थी चौहान साहब के वक्तव्य पे। जी यही नंदल साहब 2016 के चुनाव के अंदर भी थे, जब सुभाष चंद्र जी भाजपा के समर्थित उम्मीदवार उस समय पर जीते थे जी, उस समय पे इन्होंने उसको डिफेंड किया था, मुझे ये बड़ा अच्छे से याद है, क्योंकि उस समय पर इनेलो और कांग्रेस दोनों ने ऑब्जेक्ट किया था, ऑफिशियल तौर पर ऑब्जेक्ट किया था और इन्होंने डिफेंड किया था कि उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं होता। गलत थे क्या वो? अब जहां तक बात आ गई दूसरी, अब सुनिए दूसरी बात, यहाँ पर आपको मैंने बताया सेंट्रल ऑब्जर्वर कौन थे, सेंट्रल ऑब्जर्वर थे शायद मणिपुर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मणिपुर जी, मणिपुर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल ऑब्जर्वर थे और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा के अनुराग अग्रवाल जी स्टेट ऑब्जर्वर थे। तो इनका वीरेंद्र चौहान जी का की बात को मैं के तथ्य को सही मान लूं तो इसमें मणिपुर के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी शायद हुड्डा साहब के एजेंट रहे हूँ, इनके बात को सही मान लूं तो। मैंने तो ऐसा नहीं काम किया, मेरे को समझ में आ रही, रिटर्निंग ऑफिसर फाइनल नहीं दे सकता ऑब्जर्वर की परमिशन के बिना, लेकिन जो मैंने सवाल समझिए उनका उत्तर, रिटर्निंग ऑफिसर बिना ऑब्जर्वर की परमिशन, दोनों आईएएस ऑफिसर सीनियर आईएएस ऑफिसर दो साहब परमिशन के बिना रिटर्निंग ऑफिसर फाइनिंग नहीं दे सकता। मैं केवल ये कह रहा हूं, ये जो ये गलत चीज फैलाई जा रही है, एक पोस्ट एक व्यक्ति के प्रति उसके ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह गंभीर ऑब्जेक्शन हम लगाते हैं, जब इनके पक्ष में काम होता है तो उस समय पे ये डिफेंड करते हैं, जैसे इनके खिलाफ काम हुआ तो सीधी सीधी बात है, ये तो हार की पीड़ा दिख रही है यहाँ, तो ये भाजपा का यदि ये स्टैंड है तो ये तो हार की पीड़ा है और कुछ ही नहीं। अच्छा, ये केवल मात्र जो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी या उनके पार्ट के अंदर से सच्ची झूठी बातें निकाल करके और जो उनके पोस्ट को एक क्वेश्चन कर दिया, जब उनको आरओ अपॉइंट किया गया था क्या आपने ऑब्जेक्शन लगाई? मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया था, मुझे ये दिखाए कि कोई ऐसा पत्र लिखा गया भाजपा के द्वारा कि नहीं लगाना चाहिए। तो देने दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठ करके, क्या तब आपके पास इतिहास नहीं था, आज आपके पास इतिहास है? आप ही कहते रहेंगे एक तरफ, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई वीरेंद्र जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो इस तरह की बात करने की जगह आप फैक्चुअल रखाइए, फैक्चुअल लेकर के आइए। मैं कहता हूँ कि आप उस वीडियो को जो है उनकी वीडियोग्राफी को पब्लिक प्ले कीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं आपसे, आप मेरी भी सुन लीजिए। आपने मेरे मुंह में अपने शब्द डालने का प्रयास किया, कतई उचित नहीं है, मैं आपके इस प्रयास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार, अगर उस पर सवाल हैं तो उसका पारदर्शी मूल्यांकन होने पर आपको आपत्ति क्यों है?
रिटर्निंग ऑफिसर के व्यवहार और आचरण को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को अगर शंका है, संदेह है, तो ढुल साहब बेचैन हुए बिना आप उस शंका का निराकरण हो जाने दीजिए। आपको जल्दबाजी क्या है? सरल सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी को कुछ आशंकाएं हैं, वो विरोध, वो आशंकाएं, वो ऑब्जेक्शन मौके पर दर्ज कराई गई। हमको लगता है उनका वैधानिक तरीके से निराकरण नहीं हुआ। हम चाहते हैं वैधानिक तरीके से जो हमारे पास विकल्प उपलब्ध है उनका उपयोग करते हुए हम चीजों का मूल्यांकन करवा लें। इस पर आपको परेशानी क्यों होनी चाहिए? आप आश्वस्त हैं ना, आप अपने पक्ष को लेकर आश्वस्त हैं, आपको चुनाव आयोग की निरपेक्षता निष्पक्षता पर विश्वास है, तो तनिक इंतजार कर लीजिए ना मित्रवर। मैं आता हूं एक बार, न्यायाधीश होना नहीं चाहता, मैं हो नहीं सकता, आपके पास कुछ वैधानिक बिंदु मुझसे अधिक हो सकते हैं जिसके आधार पर आप अपनी बात कह रहे हैं, परंतु मैं और आप टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर किन्हीं भी दस्तावेजों के आधार पर कुछ भी बात करते रहे, अल्टीमेटली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निर्णय उनको करना है और उन उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करना, चीजों को एक कंक्लूसिव मोड तक लेकर के जाना जहां पर स्पष्ट निष्कर्ष निकल सकता हो, वो प्रजातंत्र के हित में है, हम सबके हित में है, होने दीजिए। आप भी शिकायतें करते हैं बहुत सारे मामलों की जी। हम ये कह दें कि इनको तो शिकायतें करने की आदत है इसलिए इनकी शिकायतों का आकलन मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, काम चलेगा क्या? प्रजातंत्र साहब, आप अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं, हमें भी कहने दीजिए, आप भी कह लीजिए और जिनको निर्णय लेना है उनको निर्णय ले लेने दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेणु साहब कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर धुल साहब के पास आऊंगा जी। विजेंद्र जी, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। देखो, ये तो इलेक्शन कमीशन के पास इन्होंने जाकर के डिमांड कर दी कि रिजल्ट को तब तक रोक लिया जाए तब तक इसका कोई फैसला ना आए, और अभी 6:15 बजे कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर जा रहा है, तो वो भी जाएगा, उसका भी इंतजार होगा, तो पता नहीं कब शुरुआत होगी। लेकिन वरुण जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये रिजल्ट आएगा, देखिए इस रिजल्ट के ऊपर जैसे ढोल साहब ने भी काफी सारी बातें बताई है, ये तो फैसला आएगा जब रिजल्ट जो होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों में, मैं ये कहना चाहता था कि वोट तो दिखाई जाती है सोशल डिबेट से, थोड़ा सा हट करके ये कहना चाहता हूँ कि जो एक अपने एजेंट को वोट दिखाने वाले नहीं थे आम वोटर को, ये कोई अथॉरिटी नहीं, किसी को वोट नहीं दिखा सकता, कहीं ना कहीं ये एक अपने एजेंट को दिखाने वाला जो राज्यसभा के, ये भी मैं मानता हूँ कि सही नहीं है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, ये लागू हो रहा है, चल रहा है, लेकिन वाई जब एक कॉन्फिडेंशियल वोटिंग होती है तो एक एजेंट को भी दिखाने का काम बेहतर है, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और रही बात रिजल्ट वाली बात जो है, अब इलेक्शन कमीशन जो है ना उसको रिजल्ट को रोकेगा, परमिशन ग्रांट करेगा, तभी काउंटिंग शुरू होगी। अभी ये लगता है कि जैसे महाराष्ट्र वाला भी खुदा बीजेपी, सर मुझे तो गुजरात वाले चुनाव की याद आ रही है, अगर उतनी रात को नतीजा आया तो फिर मैं तो वो सोच सोच के भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कर रही है, तो अपना मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, गुजरात का नतीजा कितने बजे आया था। नहीं, मैं सर आपको मौका दूंगा, कोई ढुल साहब को रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया देनी है दोनों बातों पर। ढुल साहब, आपने प्रतिक्रिया सुनी थी जो कुछ आपके दोनों सहयोगी कह रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में सुनवाई स्टार्ट हो रही है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में, मध्य प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे। इस समय पर ऑनलाइन सुनवाई शायद चल रही है, स्टेट से रिकॉर्ड भी मांगा गया है केंद्रीय चुनाव आयोग में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उसका निर्णय आएगा और हमारे पक्ष में आएगा जी। लेकिन जैसा अभी वीरेंद्र चौहान भी कह रहे थे कि आप पेशेंस रखें, अगर मतगणना रुक जाती है तो दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, पेशेंस रखी हुई है, बस वीरेंद्र जी को मेरे को थोड़ा लंबा बैठना पड़ेगा यहाँ पर, और तो क्या है? नहीं, आपको भी बैठना है, हमें भी बैठना है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि नतीजों पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इन नतीजों के मायने क्या हैं,
और कल आपको याद होगा आपने क्या कुछ कहा था कि ये किसकी जीत है किसकी हार है, तो मेरे दिमाग में तो वो सारी चीजें थी, लेकिन अब परसेप्शन थोड़ा बदल गया। जी चौहान साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा था वरुण भाई कि हम तो कई दिन से लंबा लंबा बैठ ही रहे हैं, आज की परीक्षा की तैयारी मुझे लगता है आप भी करके ही आए होंगे। धोल साहब और हम लंबे समय तक बैठ के तर्कपूर्ण ढंग से बात करने के अभ्यासी हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, कोई शंका रहनी नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात न रह जाए जिसमें कल को सवाल उठे, किसी के मन में मलाल रह जाए, क्या दिक्कत है, थोड़ा और सही। और सीधी सी बात यह है कि ये जो लंबा चलने वाली बात, ये तीसरा प्रत्याशी आने वाली बात, मैं फिर से दोहराऊंगा कि वो कांग्रेस के अंदरूनी कलह इनके भीतर की। एक मिनट आपको रोक रहा हूं चौहान जी, माफी चाहता हूं। कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है, तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें, आज लोगों की इच्छा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है, तो सीधा चुनाव आयोग से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर, ये कांग्रेस का डेलीगेशन। पवन बंसल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, पवन बंसल सबसे आगे हैं, रंजीता रंजन भी इसमें नजर आ रही हैं, यानी ये डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है मुलाकात करने के लिए। चुनाव आयोग, विवेक तनखा, रंजीता रंजन, पवन बंसल, ये एक टीम जो है वो अब वहां पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, यानी बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की बारी, और बाहर आकर वो क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। चौहान साहब अपनी बात जारी रखें आप। मैं वरुण भाई ये कह रहा था कि अगर कांग्रेस के आंगन में सब कुछ सामान्य होता जी, कांग्रेस के आंगन में गुटबंदी नहीं होती, इनके नेता अपने एक अध्यक्ष को बने रहने देते, अध्यक्ष महामंडलेश्वरों का एक महाझुंड न बनता, कुलदीप बिश्नोई नाराज होकर आत्मा की आवाज कहते हुए राहुल गांधी से मुलाकात की अपनी अर्जी को अर्जेंटली सुने जाने की बात नहीं करते वरुण भाई, तो आप ऐसा अवसर नहीं ढूंढते। तो नहीं, तो हमको आपको ये चर्चा करनी नहीं पड़ती। इनके पास देखिए, इस सच्चाई से आप कैसे पीछे भागेंगे। सत्य ये है, धूल साहब भी कह रहे हैं, सुबह से कई बार कह लिया कि इनके पास जनता के भेजे हुए 31 विधायक तो हैं, थे, हैं, कल क्या स्थिति रहेगी कह नहीं सकते, लेकिन 31 के 31 36 दिशाओं में मुंह कर रहे थे और अंदरूनी कलह सड़क पर आ गया था। सड़क पर आकर वो अलग अलग दिशा में जाने की बात कह रहे थे। कैप्टन अजय यादव ने माकन साहब की उम्मीदवारी पर सवाल उठाया, पंडित जी फरीदाबाद वाले, उन्होंने कहा बाहरी प्रत्याशी आ गया, हरियाणा की क्या जानेंगे, हरियाणा के हकों की चिंता कैसे करेंगे, संभाल कैसे करेंगे। इस तरह की स्थितियां अगर नहीं होती तो सहज भाव से एक प्रत्याशी, एक सांसद हमारा पहले नंबर पर जीतना था, दूसरे उम्मीदवार के इनके जीतने का मार्ग खाली पड़ा था, परंतु क्योंकि कांग्रेस के आंगन में सब कुछ सामान्य नहीं था और इन्होंने अपने घर का झंडा सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, तो उसमें से कार्तिकेय जी को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। अगर ये सब कुछ एकजुट हो, इनके प्रवक्ता हैं वो आपके चैनल पर भी आए होंगे तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया होगा, इंटेक धींगड़ा साहब हैं, नाम ले लेने में कोई समस्या नहीं है, केवल धींगड़ा जी लगातार ये कह रहे थे हमारे 31 इंटेक्ट हैं, इंटेक्ट हैं। अगर ये इंटेक्टनेस ये बिल्कुल सार्वजनिक होती और ये उसका प्रदर्शन खुलेआम वैसे कर रहे होते जैसा ये कलह का कर रहे हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं थी तीसरा उम्मीदवार आने की, क्योंकि हम प्रत्याशी जिताने की स्थिति में थे। उसके बाद हमारे पास 9 सरप्लस वोट थे, आपको याद होगा हमने तब तक ये नहीं कहा कि हम कोई प्रत्याशी उतारेंगे या कांग्रेस को हराएंगे जब तक कि निर्दलीय प्रत्याशी स्वयं प्रत्यक्ष मैदान में आ नहीं गए। मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी अगर आपको ध्यान हो, नामांकन जब किया पवार साहब का, उसके बाद उन्होंने ये कहा था हमने एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है, उनको जिताने के लिए हमारे पास पर्याप्त वोट हैं, शेष वोट का क्या करना है ये हम तब तय करेंगे जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आएगा। ठीक, अब निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आए तो इनकी वजह से आए,
क्यों आने दिया? ठीक है, वो जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं जी। डोल साहब, क्या आपके 31 इंटैक्ट हैं रिजल्ट? मतलब हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में हो, खैर वो तो नतीजे बताएंगे, क्योंकि रेडू साहब को डाउट है, वो अभी भी कह रहे हैं कि इतना इजी नहीं है, कुछ क्रॉस हुआ होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या 31 इंटैक्ट हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ये आज भी ये कहकर गए कि मैंने अंतरात्मा पर वोट दिया, उन्होंने आज भी नहीं कहा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। और इनके मीटिंग में नहीं गए, सारे के सारे प्रशिक्षण में नहीं गए। देखिए, जब सारी चीजें सार्वजनिक होगी, ये चीज तो बाद में पता लगेगी, लेकिन हम पूरी तरह से, मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि हम सब एक साथ सभी के सभी वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पड़ी है। और दूसरी चीज, जो कथित गुटबाजी की बात वीरेंद्र जी कर रहे थे, मेरे बड़े भाई, तो एक चीज देखिए आप इसमें वरुण जी, इसी प्रकार की गुटबाजी की कथित बात करके सुभाष चंद्रा जी को राजस्थान भेजा था भाजपा ने। अब क्या हुआ वहां पर? भाजपा के विधायक क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के पक्ष में। अब यहाँ पर जो चीज हरियाणा के अंदर जो आप चीज देख रहे हैं, यहाँ पर भी इन्होंने ये कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी है जी, और जब निर्दलीय आ गए तो उसके बाद में हमने दे दिया समर्थन। मुझे बताइए कि भाजपा के कैंडिडेट इलेक्ट हो गए थे 31 वोट के टाइम पे, कृष्णलाल पवार जी इलेक्ट हो गए थे, बिल्कुल क्लियर है, उनके इलेक्शन में आज कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है। अगर उनके इलेक्ट होने के बाद में गृह मंत्री को और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बलराज कुंडू जी को मनाने के लिए घर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, अगर वो भाजपा के कैंडिडेट नहीं थे तो? सीधी सीधी बात है, भाजपा के कैंडिडेट थे। हाँ, ये बात है, अलग है कि बिना सिंबल के उसको लड़ा रहे थे। अब जैसी गलती उन्होंने महाराष्ट्र में की कि अपने कैंडिडेट को जो है सिंबल दे दिया, सिंबल वाला कैंडिडेट भाजपा का हार गया, तो हरियाणा के अंदर सिंबल पे खड़ा करते हैं ना आप कार्तिकेय जी को, इसमें दिक्कत क्या थी आपको? अब आपने छुप करके उनको निर्दलीय खड़ा किया। अब निर्दलीय को जिताने के लिए, निर्दलीय के लिए वोट सिक्योर करने के लिए एक विधायक, निर्दलीय विधायक जो है बायकॉट कर रहे हैं पोलिंग का, उनको मनाने के लिए केंद्रीय अपने हरियाणा के गृह मंत्री को और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जाना पड़ा। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि आधिकारिक तौर पर वो भाजपा के कैंडिडेट थे, बस बिना सिंबल के थे जी। जवाब दीजिए, गंभीर सवाल है जी। रेणु साहब, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, मैं जानता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपका, देर से आ रहा हूँ, बस एक जवाब ले लूं फिर आप ही के पास आऊंगा। बोले चौहान जी। वरुण भाई, पूरे घटनाक्रम को अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे धूल साहब की इस टिप्पणी के बाद, तो आपको सत्य जो है बिल्कुल साफ साफ सतह पर तैरता हुआ दिखेगा। और वो सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के जीतने की व्यवस्था या सामर्थ्य जो हमारे पास था, उसके बाद कोई जल्दबाजी नहीं की ये काम करने की कि हम किसी निर्दलीय को उतारेंगे और या हम अपना दूसरा प्रत्याशी देंगे दो सीटों पर, क्योंकि हमको मालूम था कि हमारा प्रत्याशी एक जीतता है स्पष्ट रूप से। उसके बाद जब निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आ गए और हमने ये संकल्प लिया कि हम उस कांग्रेस का रास्ता रोकने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, जो कांग्रेस राज्यसभा में अपनी उपस्थिति का दुरुपयोग करके बहुत सारे राष्ट्र विरोधी स्टैंड ले चुकी है, आगे भी ले सकती है, तो हमने तय किया कि हमारे सरप्लस वोट वो निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में जाएंगे। हमने निर्दलीय प्रत्याशी के सामर्थ्य का आकलन करने के बाद, उनके साथ जजपा के आने के बाद, निर्दलियों के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व समझा कि हम कांग्रेस के मार्ग में अवरोध खड़े करें, क्योंकि हमको मालूम है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीत कर अगर चले जाते हैं हरियाणा से, तो वे राज्यसभा में अनेक बड़े कामों में बाधा डालने वाले हैं। ये वही पार्टी है वरुण भाई, जो पार्टी कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का, सर चर्चा कहीं और चली जाएगी। एक 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। सीधा सवाल था कि भाई आपके मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष मनाने गए, सीधा उसी पे आइए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं सीधा सवाल। ये वही पार्टी है जो 370 हटाने का विरोध कर रही थी और ये कह रही है कि हम वापस लाएंगे, हमारे पास ताकत आ गई। तो ऐसी पार्टी की संख्या वो राज्यसभा में पढ़नी नहीं चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, जब हमने एक बात, ये आपने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को कैसे भी रोकना है, ये केन प्रकार है कांग्रेस को रोकना है। हाँ, बोले सर। क्यों गए धनखड़ साहब और बिट साहब, इस पर एक वाक्य कहने दीजिए। जब हमने
निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया, हम निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने का हमने निर्णय ले लिया, तो ये हमारा प्रजातांत्रिक दायित्व है मित्रवर, कि हम हर हर मतदाता के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाएं। मैच खेलो तो पूरा जी जान से खेलो, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। रेडू साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। विजेंद्र जी, टाइम लगा दिया गोयल साहब, मैं माफी चाहता हूँ सर, आप बताएं। नहीं कोई कोई बात नहीं, ऐसा है गोयल साहब, देखिए ये सही बात है जो वीरेंद्र चौहान जी अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ही इनको मौका देने का काम किया है। जब मई के महीने की अगर मैं बात करूं, जब उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया गया था और उस टाइम चार कार्यकारी अध्यक्ष इनके बनाने का काम किया था, मैं उसी दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की फूट है, सबसे बड़ी फूट है कांग्रेस की, ये जो चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। और जब वो चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इनके ऊपर गेंद की तरह नजर लगा ली थी कि अब ये बड़ी आसानी से काबू में आ जाएंगे, और उसका फायदा इन्होंने उठाया। उसी दिन से तय करती थी कि अब इस बार हम इनको राज्यसभा में नहीं देंगे। और इसके बाद जब राज्यसभा चुनाव की डिक्लेरेशन हुई और आफ्टर डिक्लेरेशन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ, हाईकमान ने अपने विधायकों के साथ एक तरह का व्यवहार किया, मैं व्यवहार ही कहूंगा, और बल्कि व्यवहार से दुर्व्यवहार करने का काम किया। एक तो सबसे पहली गलती की अजय माकन जी को यहाँ से उतारने का काम किया। अजय माकन जी भूपेंद्र सिंह जी नहीं चाहते थे, उन्होंने तीन नाम अलग चाहे थे, उन तीनों नामों को छोड़ करके इन्होंने बाहरी कैंडिडेट को यहाँ उतार काम किया, वो प्रति हुई। इसके बाद पूर्ण रूप से हाईकमान ने ये दिखा दिया कि MLA साहब, हमारा तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आप हमारे पिंजरे में आइए, पिंजरे में बैठे रहिए, जैसे हम चाहेंगे वैसे रहना है, और जैसे हम छोटेंगे वैसे ही आपको चलना होगा। आपने ही दिखाया था किस प्रकार से वहां जैमर लगाए हुए थे, किस प्रकार से पहरेदार बिठा दिए थे, किस प्रकार से इंक्वायरी होती थी, कहीं ना कहीं जो प्लेस है कांग्रेस के उनका भी इससे विश्वास टूट गया था। और एक विधायक ने तो यहाँ तो कह दिया था कि आप हमें कहीं भी ले जाइए, हम काम तो अपनी मदद से करेंगे, आप हमारे फिजिकली हमारे रोक सकते हो, लेकिन माइंड तो हमारा ओपन है, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं बनती थी कि ये मौका कांग्रेस ने इनको दिया, जिसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का काम किया। और एक और बात, कार्तिक शर्मा जी जो है वो राजनीति में नहीं थे, मीडिया कंपनी के मालिक है, राजनीति में आज तक हमने कभी उनका नाम नहीं सुना। सत्य है कि विनोद शर्मा जी राजनीतिक परिवार से तो है ना सर, राजनीतिक परिवार से है, तो परिवार से होना एक अलग बात है, स्वयं राजनीति में होना एक अलग बात है। अब ये ढुल साहब कह रहे हैं, अरविंद ढुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कार्तिक जो है दामाद है अपने दीप शर्मा जी, और जब दामाद इलेक्शन, विजेंद्र जी की आवाज शायद फ्रीज होगी, लेकिन जो बात वो कहना चाह रहे थे वो ढुल साहब जाहिर सी बात है पहुंच गई होगी आपके पास। हाँ नहीं मैं आ गया, आ गया, मेरा बोले सर, बोले बोले कंप्लीट आ गया, आ गया, कंप्लीट। ये बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो किस प्रकार से एक दामाद को एक ससुर जी अपने हराने का काम करेंगे। और इसके अलावा देखिये मार्केट में हमारे पास चार पांच नाम और ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी इस बात का बदला लेना चाहते हैं। क्या हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस है वरुण जी, बड़ी की बात है कि हरियाणा प्रदेश में पेटियां बंद हो चुकी है, लेकिन चार पांच वोटों की मुझे अब भी लगता है चार पांच वोट क्रॉस मिल सकती है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आप कह रहा था दो वोटों के ऊपर झगड़ा चल रहा है, 87 वोट तो चुकी है और उनमें जो है 29 वोट कांग्रेस की ऑलरेडी पेटी में बंद है, 29 वोट कहाँ है उसको कौन जानता है, उनकी कहाँ गई है वो तो पेटी खुलने के बाद ही पता लगेगा, तभी का जो है नतीजा पे क्या रहता है। ठीक है ढुल साहब, देखिए जिस प्रकार से मैं इनको विजेंद्र जी को बता दूं, जहां तक बात रिश्तेदारी होने की है तो राजनीतिक परिवारों में इस प्रकार की रिश्तेदारियां होती रहती हैं। अब ये बताइए कि कुलदीप शर्मा जी के तो ये अजय मक्कन जी भी जो है इनडायरेक्ट रिश्तेदार है, अब ये दोनों के दोनों कुलदीप, ये जो अपना कार्तिकेय शर्मा जी भी, अजय मक्कन जी, अशोक तंवर जी के रिश्तेदार है,
अब ये कोई बात थोड़ी ना है, अब चौटाला परिवार इस समय पर हरियाणा में पांच अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टियों में विधायक चुन करके आया हुआ है, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अब जो रिश्तेदार सिर्फ वो रिश्तेदार है इसलिए जिताएंगे, मुझे तो एक अंदेशा है, रिश्तेदार है बिल्कुल नहीं। हुड्डा साहब कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को ही समर्थन दिया है सीएलपी ने भी, सीएलपी लीडर ने भी, तो इसमें गलत क्या है? ये हमारी ड्यूटी है, हमने हमारी ड्यूटी की, हमने हमारा काम पूरा किया, उसमें कुछ भी गलत किसी प्रकार का नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये सोचना, ये सोचना कि भाई कि सिर्फ इसी कारण से जो है वोट जो है डिफेक्ट हुए होंगे, मैं आपको बता दूं मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग हुई है, आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग हुई है। केवल कुलदीप बिश्नोई जी की चर्चा मीडिया में सुन रहा हूं मैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने भी कांग्रेस के पक्ष में जी जानकारी तो आपको उनकी भी होगी। नहीं नहीं देखिए मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है, आपके साथ मैं वर्षों से चर्चा कर रहा हूं और मेरे को पता है कि इतनी जानकारी तो आपके पास है, वो ठीक है कि ना आप कह रहे ना हम कह रहे, वो बात अलग है, इंतजार करना ही होगा हमें। तो इसमें मैं हमें 30 वोट की जरूरत है कम से कम इलेक्शन के लिए, 30 वोट हमारे पास में मिनिमम है, मैं मानता हूँ 33 से 34 वोट आई होंगी, क्योंकि जिस प्रकार की हमारे पास में आंतरिक सूचनाएं आ रही थी, कुछ लोग और भी हमें समर्थन दे रहे थे, अब दिया है नहीं दिया है ये तो मतपेटी जब खुलेगी तब पता लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हम मेजोरिटी काउंट को जो है बढ़ा करके वोट ले रहे हैं। चलिए दर्शकों की जानकारी दे दें, किसी भी वक्त कांग्रेस का डेलीगेशन बाहर आ सकता है और मीडिया से वो बात करेंगे, मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि अंदर उन्होंने अपने पॉइंट्स क्या रखे हैं, किन बातों पर चर्चा हुई है।